दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश खातिर चोर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इनके पास से रिकवरी भी की है। दरअसल दिल्ली के जंगपुरा में रविवार को एक ज्वेलर शोरूम में 25 करोड़ की चोरी हुई थी। यह शोरूम उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन का है। चोरों ने दुकान में रखी 25 से 20 करोड़ रुपए के हीरे और सोने की ज्वेलरी को पर हाथ साफ कर दिया था। चोर छत काटकर शोरूम में घुसे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दुर्गे से 7 चोरियों को अंजाम देने वाले लोकेश श्रीवास को स्मृति नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके पास से दिल्ली शोरूम से चोरी किया गया 18 किलो सोना और 12.50 लाख कैश बरामद हुआ है। पुलिस लोकेश के दूसरे साथी शिवा चंद्रवंशी को कवर्धा से ज्वेलरी समेत 28 लाख के माल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ला रही है। शोरूम को मालिक ने बताया कि दुकान में हीरे और सोने के 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। जंगपुरा का मार्केट सोमवार को बंद रहता है, इसलिए रविवार को शोरूम बंद करने के बाद जब वो मंगलवार को अपने शोरूम पहुंचे तो देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि शोरूम में रखी पूरी ज्वेलरी गायब थी। बंद करके गए थे और अब मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हमने खोली तो सारी दुकान में धूल ही धूल नजर आई। तो हमने कहा ये धूल कहाँ से आ रही है। फिर आगे बढ़े तो वो जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसकी दीवार में होल करके हमें ये लग रहा है कि सारा सामान उन्होंने चोरी कर लिया है। कितने का माल रहा होगा? अंदाज 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान है। 20 से 25 करोड़ का? अच्छा, सिर्फ गहने ही या कैश? कैश तो होगा, 5-4 लाख रुपए कैश भी होगा और गहने और है ही सब सामान। कैसे बताया आपने कैसे आए? वो ऊपर छत पे से तोड़ के आए।